मूवी की शुरुआत में हम वीमस नाम के एक सेल्समैन को देखते हैं जो कि एक गांव में एनिमल्स की नीलामी कर रहा था और वो पब्लिक को बताता है कि कैसे ये एनिमल्स काम तो बहुत करते हैं लेकिन इनके पास दिमाग नहीं है और इसलिए वो इनके लिए कोई नया एनिमल लेकर आया है। इसके बाद वीमस के दो फ्रेंड जैंक और ऑली कुछ एनिमल्स को अंदर लेकर आते हैं और ये एनिमल्स हॉर्स और एलिफेंट के डीएनए से बने एक अलग जीव थे जिन्हें थोड़ी पेंट्स कहते हैं। इसके बाद ये लोग मूसली नाम के एक एनिमल को स्टेज पर लेकर आते हैं और सारे ही लोग ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि ये एनिमल्स बोलते भी हैं। इसके बाद वीमस इन सब लोगों को बोली लगाने के लिए कहता है जिसके बाद मूसली बहुत परेशान हो जाता है और वो अपनी माँ से पूछता है कि ये क्या हो रहा है लेकिन उसकी माँ को भी कुछ समझ नहीं आता है। अब ऐसे करते करते बोली लगती है और मूसली किसी के हाथ बिक जाता है। इस मूवी के पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।